अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सीक्वेंस कंपैरिजन क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस कंपैरिजन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट का इंडिविजुअल है ना, ऑर्गेनिज्म है ना, उसका जो जीनोम है उसका कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ। ठीक है, अब सीक्वेंस कंपैरिजन लाइज एट द हार्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस है सीक्वेंस कंपैरिजन। और ये किस तरीके से करते हैं, इसमें आता है सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास होती हैं सीक्वेंसेस, ठीक है, और हम उसमें मैच करते हैं रेजिड्यू की बेस पे। मतलब यहाँ पे भी ए है तो इन सब में अगर ए होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला रेजिड्यू इनका मैच है। ए हमने एडिनिन उठाया नाइट्रोजनस बेस, फिर अगर इधर साइटोसिन है तो इधर भी हर जगह साइटोसिन होनी चाहिए। इस तरह हम कहेंगे कि ये जो है इनमें ये रेजिड्यू भी सेम है। इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस अलाइनमेंट है ना वो हमें देती है रेजिड्यू वाइज डिटेल सारी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर किसको कहते हैं, दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। दो सीक्वेंसेस का हमने रेजिड्यू जो है वो मैच करना है। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग टू सीक्वेंसेस। अब आपको पता है डीएनए और प्रोटीन्स जो हैं ये एवोल्यूशन की प्रोडक्ट हैं। कैसे, एवोल्यूशन की प्रोडक्ट इस तरह हैं कि जैसे जैसे इंडिविजुअल्स, आप देखें कि सारे इंडिविजुअल्स में डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये हमारी हेल्प करती हैं कि हम जो मॉडर्न डे इंडिविजुअल्स हैं ना उनका कंपेरिजन कर सकें प्रीवियस के साथ जो ख़त्म हो चुके हैं कब के। अब डीएनए और प्रोटीन बनी किससे होती हैं, डीएनए आपको पता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, पेंटोज शुगर है और इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड है, और प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। अब ये जो है ना, आप देखें प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स में भी ये डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट थी और रिसेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी प्रेजेंट हैं। इस तरह इनको हम कहते हैं एज ए फॉसिल, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉसिल्स डेट इनकोड द हिस्ट्री ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी जो प्रीवियस इंडिविजुअल्स थे ना उनमें जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ना, डीएनए और प्रोटीन वगैरह, उन मॉलिक्यूल्स को हमने कहा कि ये मॉलिक्यूलर फॉसिल्स हैं। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि चूँकि वो नेचुरल सेलेक्शन थी, म्यूटेशंस होती रही, म्यूटेशन के बाद जो फेवरेबल जीन थी वो परसिस्ट कर गई, जो आप कहें कि हार्मफुल थी वो रिमूव होती रही विद इन द टाइम पीरियड। अब ऐसा होता है कि वो रेजिड्यूज़, वो जीन्स जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करती हैं, वो जो है ना सिलेक्ट होती गई और जो लेस इम्पॉर्टेंट थी वो रिमूव होती गई। अब क्या होता है, जब हम आज की सीक्वेंसेस का कंपेयर करते हैं तब की सीक्वेंसेस के साथ, पास्ट इन्वायरमेंट की सीक्वेंसेस के साथ, तो हमारे पास डिटेल आ जाती है कि किस रेजिड्यू में चेंज आया, कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड चेंज हुआ। ठीक है, इस तरह हमारे पास पैटर्न आते हैं कंजर्वेशन के और वेरिएशन के। अब इसका क्या मतलब हुआ, कंजर्वेशन, किसी चीज़ को कंजर्व करना, ये हमें पता चलता है कि पास्ट से अब तक कौन सी जीन में चेंज बहुत कम आया है या कौन सी जीन कंजर्व्ड है। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वन जीन है। उसके अलावा वेरिएशंस, वेरिएशंस वो चेंजेस होती हैं सीक्वेंसेस के दरमियान में जो बताती हैं कि फ़लाँ जीन पे चेंज आया। मतलब अगर इंडिविजुअल ए है ना तो उसमें सी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो हमें, हम अभी के इंडिविजुअल में देखेंगे तो वहाँ पे फाइव पे इंडिविजुअल बी में कह लें कि जी प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे चेंज आया है। ये चेंज सब्सटीट्यूशंस हो सकती हैं, यानी कोई एक जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया है, उसके बाद इंसर्शंस हो सकती हैं, उसके बाद डिलीशंस हैं कि कोई डिलीट हो गया है। सीक्वेंस अलाइनमेंट हमारी हेल्प करती है कि हम दो सीक्वेंसेस की रिलेटेडनेस चेक कर सकें। अगर सिमिलैरिटी है ना दो सीक्वेंसेस के दौरान दरमियान में, तो हम ये नहीं कह सकते
कि ये जो है रैंडमली आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो सीक्वेंसेस हैं ना, इनका कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन था। मतलब दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जिससे हमने ये सीक्वेंसेस ली हैं, उनका कॉमन इंसेस्टर था। व्हेन अ सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ जनरेटेड करेक्टली, जब ये करेक्टली जनरेट होती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दो सीक्वेंसेस का, रीजन्स डेट आर अलाइंड बट नॉट आइडेंटिकल। अब वो रीजन्स जो अलाइन तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं हैं, वहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन हुई है। यानी अलाइन तो हैं, पॉइंट कह लें आप थ्री पॉइंट पे, एक जगह पे सी प्रेजेंट है और दूसरे इंडिविजुअल में थ्री पॉइंट पे जी प्रेजेंट है, यानी ये अलाइन तो नहीं है, सॉरी अलाइन तो है लेकिन सेम तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वो रीजन्स जहाँ पे एक सीक्वेंस का दूसरा कोई क्रॉसपोंडिंग रेजिड्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पे डिलीशन हो गई है। जैसे देखें पॉइंट फोर पे हमारे पास अगर सी हो, दूसरे सीक्वेंस में पॉइंट फोर पे गैप हो, तो इसका मतलब है यहाँ से ये सीक्वेंस जो है ये डिलीट हो गई है। इट इज़ पॉसिबल डैट टू सीक्वेंसेस हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, ये भी है कि सीक्वेंसेस जो हैं वो कॉमन इंसेस्टर की हों लेकिन उनमें डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आ गई हो कि उनको अभी कॉमन समझना मुश्किल हो जाए। अब दो टर्म्स हैं यहाँ पे, सीक्वेंस होमोलॉजी वर्सेस सीक्वेंस सिमिलैरिटी। सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है, दो सीक्वेंसेस हैं उनको वो हैं कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन है उनका, यानी कॉमन इंसेस्टर से वो निकली हैं, तो उनको हम कहेंगे ये होमोलोगस हैं। सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या है, रिलेटेड बट डिफरेंट टर्म इज सीक्वेंस सिमिलैरिटी। ये परसेंटेज है अलाइंड रेजिड्यूज़ की जो सिमिलर है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में, यानी दो सीक्वेंसेस हैं उनके जो रेजिड्यूज़ हैं उनको हमने अलाइन किया और वो सिमिलर हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में, सच एज साइज, चार्ज, हाइड्रोफोबिसिटी, ये उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि हम डिस्टिंग्विश करें सीक्वेंस होमोलॉजी को सीक्वेंस सिमिलैरिटी से, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। अब आपको पता लग गया ना सीक्वेंस होमोलॉजी क्या होती है, कि हमने उनका इंसेस्टर रिलेशनशिप देखना है कि आइदर उनका इंसेस्टर सेम है या डिफरेंट है। सीक्वेंस कंपैरिजन क्या होता है, कि उनके डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है, मतलब उनके कितने परसेंट रेजिड्यूज़ जो हैं वो मैच हो रहे हैं। और सिमिलैरिटी हम सीक्वेंस अलाइनमेंट से लेते हैं, बायोइनफॉर्मेटिक्स के एल्गोरिदम्स लगा के हम उसको लेते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस सिमिलैरिटी जो है उसका हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिलता है, यानी कोई वैल्यू आती है, जबकि सीक्वेंस होमोलॉजी में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती। हम सिंपल कहते हैं कि ये दोनों स्पीशीज़ का इंसेस्टर जो है ये सेम है। जनरली इफ़ द सीक्वेंस सिमिलैरिटी लेवल इज़ हाई, अगर सीक्वेंस सिमिलैरिटी लेवल हाई होगा तो कॉमन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहा जा सकता है, ठीक है। और ये उसके अगर, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ना कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, तो फिर हम किस पे रिलाई करते हैं, सीक्वेंसेस पे। उनकी सीक्वेंसेस लेंथ देखते हैं, रेजिड्यूज मैच करते हैं, फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आती है कि 25% चांसेस है ये आइडेंटिकल हों, 20% चांसेस है ये आइडेंटिकल हों, ठीक है। और अगर गैप्स भी अलाउ हों, मतलब हम कहें जहाँ पे गैप्स सीक्वेंसेस हैं, गैप्स मैंने आपको बताया ना कि एक रेजिड्यू में नाइट्रोजनस बेस है तो दूसरे में नहीं है, वहाँ पे जगह खाली है, तो अगर गैप्स भी अलाउ हों तो परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी 10 से 20%। सीक्वेंस लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितनी शॉर्टर सीक्वेंस होगी ना उतना ज़्यादा चांस होगा कि अलाइनमेंट जो है वो रैंडम चांस की वजह से, मतलब सेम आ रही है, कोई रैंडम इवेंट हुआ है। लॉन्गर सीक्वेंस होगी तो लेस लाइकली द मैचिंग जो है वो कम होती जाएगी। अब क्या होता है, प्रोटीन सीक्वेंसेस में 20 आपको पता है अमीनो एसिड्स हैं, तो 20 अनरिलेटेड सीक्वेंसेस कैन मैच अप टू 5% ऑफ रेजिड्यूज। अब जो 20 सीक्वेंसेस हैं ना वो बाय चांस 5% से मैच हो जाती हैं, और अगर गैप्स अलाउ हों तो ये 10 से 20% हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, ये सजेस्ट करता है कि शॉर्टर सीक्वेंसेस रिक्वायर करती हैं हायर कट ऑफ्स, यानी उसमें हमें उनको कह लें ट्रिमिंग करनी पड़ती है उनकी लॉन्गर सीक्वेंसेस की निस्बत। अगर बहुत सीक्वेंसेस अलाइन की जाए फुल लेंथ पे,
100 रेजिड्यू की सीक्वेंस है यानी उसमें 100 नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसको अलाइन किया जाए तो 30% या हायर सिमिलैरिटी जो होगी ना तो हम कहेंगे कि ये क्लोज होमोलॉजी है, ठीक है। और अगर 20-30% सिमिलैरिटी आएगी तो हम कहेंगे ये टीवी लाइट जोन है, और अगर बिलो 20% होगी तो हम कहेंगे कि ये मिड नाइट जोन है, ठीक है। इट नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड दैट परसेंटेज आइडेंटिटी वैल्यूज ओनली प्रोवाइड अ टेंटेटिव गाइडनेस, यानी हमारे पास ये एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन नहीं आती, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हैं। उसके बाद गोल क्या है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का, गोल ये है कि हम फाइंड करें बेस्ट पेयरिंग ऑफ टू सीक्वेंसेस, यानी ये किसके साथ बेस्ट मैच होती हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए क्या है कि वन सीक्वेंस नीड टू बी शिफ्टेड रिलेटिव टू अदर, हम मतलब उनकी पोजीशंस वगैरह चेंज करते हैं। टू डिफरेंट अलाइनमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, एक तो ग्लोबल अलाइनमेंट है और एक लोकल अलाइनमेंट है। अब ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है, इसमें टू सीक्वेंसेस जो हैं वो अलाइन की जाती हैं टू सिमिलर ओवर देयर लेंथ, मतलब हम अज्यूम कर देते हैं कि ये सिमिलर हैं अपनी सारी लेंथ, जितनी इनकी लेंथ है ना उधर तक ये सिमिलर हैं। अलाइनमेंट इज़ कैरीड आउट बिगनिंग टू एंड, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक की जाती है ताकि बेस्ट पॉसिबल हमारे पास आ जाए कि इतना सेगमेंट ज़्यादा मैच करता है, इतना कम मैच करता है। फॉर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ, मतलब डाइवर्जेंट का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और वेरिएबल लेंथ की हैं, दिस मेथड इज़ मे नॉट एबल टू जनरेट ऑप्टिमम रिजल्ट्स, इससे हमारे पास अच्छे रिजल्ट नहीं आते। लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है, लोकल अलाइनमेंट में हम सारी सीक्वेंसेस नहीं उठाते बल्कि हम उस सीक्वेंस में से ना लोकल रीजन्स फाइंड करते हैं, यानी कुछ रीजन्स उठा के तो उनकी मैचिंग करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सारी सीक्वेंस मैच कर ली, ठीक है, ग्लोबल में, और लोकल में हमने क्या किया, ये कुछ एरिया उठाया और उसको मैच किया। अब क्या होता है, दो सीक्वेंसेस जो हैं वो अलाइन होती हैं डिफरेंट लेंथ पे, और ये बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स, ग्लोबल और लोकल के लिए जो अलाइनमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं ना वो सिमिलर भी होते हैं और डिफर सिर्फ इस सूरत में होते हैं कि ग्लोबल में आपको पता है हमने सारी सीक्वेंस उठा के दे देनी है और लोकल में हमने उसका कुछ पार्ट देना है। बोथ टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स बेस करते हैं थ्री मेथड्स पे, सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स, सेकेंड है डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड एंड थर्ड है वर्ड मेथड। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हमने ये मेथड पढ़ने हैं, डॉट मैट्रिक्स मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड।